भारतीय जन कल्याण समिति विश्राम गृह बोनी में 2 दिन के चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी प्रकाश चंद शर्मा निवासी चमनेड़ ने मुख्य अतिथि शिरकत की। भारतीय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश पठानिया और विशेष अतिथि संतोष शर्मा मौके पर मौजूद रहे। शिविर में पहुंचने पर भारतीय जन कल्याण समिति के द्वारा अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जन कल्याण समिति विश्राम गृह बोहनी में 2 दिन के चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी प्रकाश चंद शर्मा निवासी चमनेड़ ने मुख्य अतिथि शिरकत की। भारतीय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश पठानिया और विशेष अतिथि संतोष शर्मा मौके पर मौजूद रहे। शिविर में पहुंचने पर भारतीय जन कल्याण समिति के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शिविर के दौरान हमीरपुर के राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ द्वारा लोगों का मुफ्त में चेकअप किया गया व मुफ्त में ब्लड टेस्ट, ईसीजी और अन्य महत्वपूर्ण टेस्ट भी किए गए। आपको बता दें कि शिविर के दौरान स्किन, कान, नाक, हृदय, हड्डियां, आंखों आदि रोगों की जांच के साथ साथ मरीजों को निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। भारतीय जन कल्याण समिति के अध्यक्ष राकेश पठानी ने बताया कि विश्राम गृह बोनी में 2 दिन के चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों के मुफ्त में चेकअप किया जा रहा है और मुफ्त में दवाइयां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का आंखों का ऑपरेशन होना है या हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग है, उसका मुफ्त में इलाज किया जाएगा और ऑपरेशन हमीरपुर के बजाय यदि किसी अन्य अस्पताल में होना है तो भारतीय जन कल्याण समिति उनका फ्री में इलाज करवाएगी। इस दौरान उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि शिविर का भरपूर लाभ उठाएं। कैंप के बारे में ये हमारी सोच जो थी आज से कोई 4 महीने पहले दिमाग में आई और हमने सोचा अपने इलाके के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि हमारी जो बुजुर्ग माताएं बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि आँखों का यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। लोग खेतों में काम करते हैं, चश्मे ज़्यादातर लगाते नहीं हैं, जिसकी वजह से डे बाई डे आँखों की रोशनी जो है वो कमज़ोर होती जाती है। उसके लिए फिर हमने सबसे पहले आँखों का कैंप लगाने की सोची। धीरे धीरे हमने कहा कि कुछ और भी इसके बारे में आगे करते हैं, तो हमने हड्डियों के बारे में भी और बाकी भी ब्लड की जांच करा के अगर कोई और बीमारी भी आती है तो उसका भी हमने ये सोचा कि हम पूरा इलाज फ्री कराएंगे। जिन माताओं बहनों को सिर्फ दवाई से आराम मिल जाएगा उनको दवाई देंगे, जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होगी उनका ऑपरेशन कराएंगे, अगर हमीरपुर में हो पाएगा तो हमीरपुर में कराएंगे, अगर कहीं और आगे कराना पड़ेगा शिमला हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, मुफ्त में उनका इलाज पूरा कराया जाएगा। ऑपरेशन आँखों का या उससे रिलेटेड कोई हड्डियों में घुटनों की दर्द है, कोई बाजू में, कोई और कहीं है, तो उसका भी हम पूरा इलाज कराएंगे। कितने दिन चलेगा कैंप ये? ये कैंप यहाँ पे 2 दिन तक चलेगा, 8 तारीख को और 9 तारीख को। हमारे पूरे इलाके वासियों से सबसे निवेदन है कि बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और इसमें कोई एक पैसा नहीं लगेगा किसी का। अगर किसी को आने जाने की दिक्कत होगी तो वो भी हमने बोनी से फ्री ऊपर लोगों को लाने का सोचा हुआ है, गाड़ियाँ हमने लगाई हुई हैं यहाँ पे, नीचे से हम फ्री ला रहे हैं और नीचे फ्री उनको वापस छोड़ के आएंगे। लेकिन हमारी अपने समाज से, अपने इलाके से सबसे यही निवेदन है कि जिन माता बहनों भाइयों को भी कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आएँ और दिखाएँ और इस शिविर का पूरा फ़ायदा उठाएँ।